हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नरेश कौशल, दैनिक अर्थ प्रकाश और टीवी वेब टीवी अर्थ प्रकाश के मीडिया ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए, आज हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे आज के मुख्य हिंदी के समाचार पत्रों में क्या क्या हेडलाइंस हैं और क्या क्या उनकी समीक्षा है। और ख़ास तौर पे अर्थ प्रकाश आपके लिए लेकर आया है शिरोमणि अकाली दल, यानी कि बादल के नेतृत्व वाला जो अकाली दल है वो कितनी पशोपेश में है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं समाचार पत्रों से। तो क्यों ना सबसे पहले आपका अपना लोकप्रिय समाचार पत्र अर्थ प्रकाश ही सबसे पहले लिया जाए, क्या हेडलाइन उसमें है तो देखते हैं। तो पहली हेडलाइन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं दिल्ली में जो चुनाव विधानसभा के चल रहे हैं उसके सिलसिले में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि दिल्ली को दोष देने वाली, नहीं दिशा देने वाली जो सरकार है ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो इसी तरह से और NRC पर सरकार ने अभी नहीं लिया फैसला, यह बताया है पार्लियामेंट के अंदर। ये हमारे दैनिक अर्थ प्रकाश की सेकेंड हेडलाइन है। इसी तरह से अकाली पॉलिटिक्स पे जो मैंने जैसे पहले कहा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले चलते हैं दूसरे समाचार पत्रों की ओर। तो आइए दैनिक भास्कर समाचार पत्र में क्या हेडलाइन चल रही है। तो संसद में बोली सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर NRC लाने पर अभी फैसला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, आप सभी जानते हैं कि जो नागरिकता कानून है, जो ये संशोधन इसमें हुआ है, इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष बड़े लंबे अरसे से उलझे हुए हैं। और जैसे दिल्ली में शाहीन बाग पे जो प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं उसको लेकर भी, ये विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हैं उसके भी फोकस में जो है, मध्य में जो है वो जो धरना दिल्ली में चल रहा है वो आ रहा है। इसी सिलसिले में जो सरकार ने अपना पक्ष थोड़ा नरम करते हुए कहा है कि ऐसा अभी कोई भी चीज़ जो राष्ट्रीय स्तर पर NRC लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसके साथ ही पठानकोट से एक बहुत ही दर्दनाक, बड़ी सनसनीखेज खबर दैनिक भास्कर में सेकंड हेडलाइन है। उसमें भाजपा नेता के 18 दिन से जो अपहरण किया हो जिस बेटे का, उसकी जो है हत्या का पता चला है। तो इसके साथ ही चलते हैं अगली समाचार के अगली हेडलाइन की ओर, अमर उजाला। अमर उजाला ने NRC की हेडलाइन बिल्कुल ठीक उसी तरह से बनाई है जैसे भास्कर की है। और इसके साथ ही पाकिस्तान को 10 विकेट से जो हराया है क्रिकेट में, तो वो खबर जो है 10 विकेट से हराने की, उसको सेकंड लीड के रूप में इन्होंने लिया है। तो आगे चलते हैं पंजाब केसरी, जो बहुत पुराना समाचार पत्र जलंधर से और दिल्ली से भी प्रकाशित होता है। तो उसकी हेडलाइन में भी NRC का जिक्र है, और लेकिन साथ ही सेकंड हेडलाइन कोरोना वायरस, जिसकी बड़ी चिंता, बड़ी आशंका और बड़े संदेह दुनिया भर में, बड़ी आतंक फैला हुआ है उसको लेकर, कहते हैं कि 30 देशों तक ये फैल चुका है। ये पंजाब केसरी की सेकंड हेडलाइन है, भारत ने चीनी नागरिकों और वहाँ गए विदेशियों का वीज़ा कैंसिल किया। तो इस तरह से हम पंजाब केसरी के साथ साथ आगे चलते हैं आज समाज की ओर। आज समाज में कहा गया है बैक फुट पर मोदी सरकार, ये थोड़ा हटकर हेडिंग है। ये शीर्षक कुछ और तरह का संदेश देता है, जैसे पहले अखबारों में NRC की बात थी, इसमें इसका कोई दूसरा मकसद आप भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही सेकंड हेडलाइन है निर्भया के माता पिता फिर कोर्ट की चौखट पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनको फांसी की सज़ा हुई है वो एक एक करके अपने कानून का, जो कानून में जो पेंच है वो पिछली खिड़की से अपने दाम पेच खेलने का जो तौर तरीका है वो चल रहे हैं। तो उसके माता पिता जो है कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं ताकि जल्दी से जल्दी चारों जो आरोपी हैं उनको फांसी के फंदे पर
लटकाया जा सके। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं द ट्रिब्यून ट्रस्ट के हिंदी समाचार पत्र दैनिक ट्रिब्यून की ओर। दैनिक ट्रिब्यून ने अपना जो हेडिंग है वो बिल्कुल ही हट कर दिया, दिया दिल्ली पर है, लेकिन क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने पूरी ताकत झोंक दी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मैदान में उतार दिए हैं, बाहर के राज्यों से जो भाजपा के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने भी, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में आजकल जो चुनाव का जो है डंका बजा रहे हैं। तो हेडिंग जो शीर्षक दिया है दैनिक ट्रिब्यून ने, दिल्ली के दंगल में सभी ने झोंकी ताकत, तो और इसके साथ ही निर्भया केंद्र की याचिका पर फैसला आज, ये उसने सेकंड लाइन के तौर पर दैनिक ट्रिब्यून ने पेश किया है। तो इस तरह से हम, ये तो रही प्रदेश स्तर की खबरें और देश के स्तर की खबरें। इसके साथ ही अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो पत्नी पर था शक, कुल्हाड़ी से काट डाला, ये बड़ी दर्दनाक खबर चंडीगढ़ मनीमाजरा की हुई, चंडीगढ़ पंजाब केसरी की। इसी तरह जागरण सिटी में हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में छा गए चंडीगढ़ के होनहार, बेटियों का दबदबा। तो ये दैनिक जागरण की हेडलाइन, आज समाज की हेडलाइन, धारा 144 लगाई तो इतने लोग कैसे मौजूद रहे, हाई कोर्ट का कहना है। तो इस राम रहीम का ये मामला है जो पंचकुला का केस हुआ था, उस सिलसिले में ये बात कही गई है। तो समय की कमी के कारण हम अब सिर्फ चर्चा करेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा, शिरोमणि अकाली दल के बारे में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल जिसके संरक्षक हैं, सुखबीर बादल उसके प्रधान हैं, वो बड़ी पशोपेश में हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो चुनाव लड़ रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस ले लिया सुखबीर बादल ने, और लेकिन जब देखा कि दूसरे जो धड़े हैं अकाली दल के वो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक गलबहियाँ डालने को कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अपने अस्तित्व का खतरा हुआ, तो अबाउट टर्न हो गए और जाकर फिर भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में, उनकी मदद में जाकर बिना किसी शर्त के खड़े हो गए। तो इस तरह से ये जो पशुपेश, पंजाब में भी उनकी पोजीशन जो है बहुत ही डावाडोल होती जा रही है, क्योंकि कई टकसाली अकाली नेता जो हैं, जैसे ढींडसा हैं, उस परमिंदर ढींडसा हैं, शेखवा हैं और दूसरे बहुत से लीडर हैं जो प्रकाश सिंह बादल के इसलिए खफा हैं बादल परिवार से कि पूरी पार्टी के ऊपर पूरा वर्चस्व जो है परिवार के लोगों ने बना रखा है। तो इस तरह से पंजाब में भी परेशान है और ये भी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि इनको छोड़ के दूसरी पार्टियों को साथ मिलाकर आने वाले चुनाव में खड़ी हो जाए। आज के दिन अकाली दल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई कहा जाता है। बड़ा भाई का मतलब ये 70-80 सीटें खुद और उनको 30 सीटें, 113 टोटल सीटें, 30 या इससे कम भारतीय जनता पार्टी को, पहले पारंपरिक इनका आपस में गठबंधन रहा है, पहले ये 30 या इससे नीचे सीटें उनको देते रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, जिस तरह पार्टी की पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, ऐसा ना हो कि बड़ा भाई छोटा भाई बन जाए, यानी कि अकाली दल छोटा भाई बन जाए और भारतीय जनता पार्टी जो छोटा भाई थी वो बड़ा भाई बनकर जो लायन शेयर जिसको बोलते हैं, मोटा माल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो अपने पक्ष में ले लें। अगर ऐसा, ये क्यों होगा, क्योंकि अकाली दल को चिंता ये है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो अकाली धड़े हैं उनको जोड़कर इनको, बादल परिवार को, इनकी पार्टी को कमज़ोर कर सकती है। दूसरी बात, सत्ता का सुख हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर की धर्मपत्नी, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हैं, कोठी मिली हुई है वहाँ पर, 25 साल से कोठी में यह रह रहे हैं और बहुत बड़ा एक साम्राज्य जो है व्यापार का, बसों से लेकर होटलों तक इनका फैला हुआ पूरे देश में। ये नहीं चाहेंगे कि अगर आज आंखें तरेरी भारतीय जनता पार्टी की ओर, तो कहीं ऐसा ना हो कि डायन नुमा जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनकी तिरछी नज़र ना इन पर पड़ जाए, ये भी चिंता इनको पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब, आज अपने अस्तित्व को लेकर बड़े बेचैन हैं बादल परिवार, और इसी को लेकर हम अपना आज का बुलेटिन यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए वेब टीवी अर्थ प्रकाश और पढ़ते रहिए दैनिक अर्थ प्रकाश। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।